वही मसला कुछ भी हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों से मजहब का चश्मा नहीं उतरता है, नफरती चश्मा नहीं उतरता है। और ऐसे ही हैं मौलाना अरशद मदनी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लिए गए कांवड़ यात्रा पर दुकानदारों के नेम प्लेट वाले मसले को लेकर कह रहे हैं कि लोगों के बीच खाइयां बढ़ाने की कोशिश यहां पर धर्म के नाम पर हो रही है। देखिए, ज्ञानवापी परिसर में बाहरी मूर्तियां लाकर पूजा करने का आरोप, यूसीसी को शरीयत के खिलाफ बताना, हल्द्वानी हिंसा में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का दावा। लगता है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को नफरत का चश्मा पहनने की पुरानी आदत है। इसीलिए तो फैसला चाहे कोई हो, मौलाना अरशद मदनी अपनी दुकान चलाने के लिए भ्रम फैलाने में आगे रहते हैं। एक बार फिर अपनी आदतों से मजबूर मौलाना अरशद मदनी योगी सरकार के नेमप्लेट वाले फैसले को राजनीति का नया खेल बता रहे हैं। मौलाना मदनी इस फैसले को अपने धार्मिक चश्मे से देखकर भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक बता रहे हैं। लेकिन जरा कोई पूछे मौलाना साहब से कि क्या ये फैसला सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों के लिए किया गया है? अगर नहीं तो भेदभाव कैसे हुआ जो मौलाना मदनी खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताने में जुटे हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए पैरोकारी कर रहे हैं वो खुद योगी के फैसले के साथ हैं। फैसले लिए जा रहे हैं सब सही है, जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास राकेश भाई हैं, काम करें, और गैर मुस्लिम भी आके सामान सब खा के जाते हैं। कोई आस्था लेके चला, उसने सोच लिया कि मुझे इस तरह से इस तरह की चीजें खानी है, ऐसी जगह बैठना है, तो उसका अपना मन विवेक है, वो निजी स्वार्थ है उसका अपना। जब साफ सफाई रखोगे तो लोग खुद ही आएंगे, कोई नाम वाम में नहीं, कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। कोई ऐसा नहीं, कोई सरकार एक ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सरकार तो सबकी होती है। लेकिन लगता है मदनी साहब ने ना कुछ सुना है ना ही कुछ देखा, इसीलिए अब अपनी कानूनी टीम की बैठक बुलाई है जिसमें मौलाना साहब फैसले को लेकर कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अब सवाल है कि जब फैसला किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जात के लिए नहीं, किसी एक इंसान के लिए नहीं लिया गया, तो अकेले मौलाना अरशद मदनी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या वो ऐसे बयान देकर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े आदेश को धार्मिक फरमान बताकर आग लगाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल उसकी तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप पुणे के कलेक्टर के ऊपर लगाए गए थे। जब पुलिस ने उसको बुलाया बयान देने के लिए तो वो पेश नहीं हुई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या अब पूजा डर गई गिरफ्तारी से, या फिर उस पर जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से लगातार बयान सामने, लगातार जांच पड़ताल हो रही है, उस शर्म से वो पानी पानी हो चुकी है, इसलिए वो सामने नहीं आई। तमाम सवाल खड़े होते हैं, इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। नखरेबाज आईएएस पूजा खेडकर, जो कल तक कमेटी के सामने अपनी बात रखने की बात कर रही थी, जांच में सहयोग करने का दावा कर रही थी, वही पूजा खेडकर पिछले 24 घंटे से गायब है। ना तो मीडिया के सामने आई है, ना ही किसी को उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। तो सवाल है कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर कहां गायब है? क्या पूजा खेडकर को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या पूजा समझ गई है कि उनका झूठ पकड़ा गया है? सवाल कई है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल पूजा खेडकर अपनी हाई फाई डिमांड्स के चलते लाइमलाइट में आ गई थी। इसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट के जाल में ऐसी फंसी कि उससे निकल ही नहीं पाए। लेकिन पूजा ने तब सबको चौंका दिया जब उन्होंने पुणे के डीएम पर ही उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद पूजा को पुणे पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन पुलिस इंतजार करती रही और वो पुणे कमिश्नर के ऑफिस ही नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। दो बार नोटिस के बाद पूजा ने आने की हामी भरी, लेकिन उनका फोन बंद बताया जा रहा है। पूजा खेडकर पर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट से लेकर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के जो आरोप लगे हैं, उसके बाद पूजा चारों तरफ से घिर चुकी है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है।
दावा किया जा रहा है कि अपनी इसी गिरफ्तारी के अंदेशों के चलते वो पहले ही कोर्ट से अग्रिम जमानत लेना चाहती है, जिससे गिरफ्तारी से बचा जा सके और फिर अपना बयान पुलिस के सामने वो दर्ज करा सकती है। इधर पूजा की मां मनोरमा खेड़कर की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही। किसान को बंदूक के दम पर धमकी देने के आरोप में मनोरमा की हिरासत बढ़ गई है। पुणे कोर्ट ने 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि उनके वकील का कहना है कि मामले में 307 का मुकदमा नहीं चलेगा। After 13 months, something is put forth by the complainant. It can't be gathered very easily. So, but he says with that 307, whether it is tribal by him, as our apprehension is that whether our argument was to the extent whether he had not fired, the bullet was not shot out. So, this thing has been whatever we addressed to the court. Only on the law point we had argued. Court had extended 2 days custody, police custody for them. कुल मिलाकर खेड़कर फैमिली की पूरी कुंडली सबके सामने है। पूजा की मां पुलिस हिरासत में है तो खुद अंडरग्राउंड पूजा हो चुकी है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। और लगातार पूजा के खिलाफ मिल रहे सबूत इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही मसला कुछ भी हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों से मजहब का चश्मा नहीं उतरता है, नफरती चश्मा नहीं उतरता है। और ऐसे ही हैं मौलाना अरशद मदनी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लिए गए कांवड़ यात्रा पर दुकानदारों के नेम प्लेट वाले मसले को लेकर कह रहे हैं कि लोगों के बीच खाइयां बढ़ाने की कोशिश यहां पर धर्म के नाम पर हो रही है। देखिए, ज्ञानवापी परिसर में बाहरी मूर्तियां लाकर पूजा करने का आरोप, यूसीसी को शरीयत के खिलाफ बताना, हल्द्वानी हिंसा में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का दावा। लगता है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को नफरत का चश्मा पहनने की पुरानी आदत है। इसीलिए तो फैसला चाहे कोई हो, मौलाना अरशद मदनी अपनी दुकान चलाने के लिए भ्रम फैलाने में आगे रहते हैं। एक बार फिर अपनी आदतों से मजबूर मौलाना अरशद मदनी योगी सरकार के नेमप्लेट वाले फैसले को राजनीति का नया खेल बता रहे हैं। मौलाना मदनी इस फैसले को अपने धार्मिक चश्मे से देखकर भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक बता रहे हैं। लेकिन जरा कोई पूछे मौलाना साहब से कि क्या ये फैसला सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों के लिए किया गया है? अगर नहीं तो भेदभाव कैसे हुआ जो मौलाना मदनी खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताने में जुटे हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए पैरोकारी कर रहे हैं वो खुद योगी के फैसले के साथ हैं। फैसले लिए जा रहे हैं सब सही है, जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास राकेश भाई हैं, काम करें, और गैर मुस्लिम भी आके सामान सब खा के जाते हैं। कोई आस्था लेके चला, उसने सोच लिया कि मुझे इस तरह से इस तरह की चीज़ें खानी है, ऐसी जगह बैठना है, तो उसका अपना मन विवेक है, वो निजी स्वार्थ है उसका अपना। जब साफ सफाई रखोगे तो लोग खुद ही आएंगे, कोई नाम वाम में नहीं, कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। कोई ऐसा नहीं, कोई सरकार एक ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सरकार तो सबकी होती है। लेकिन लगता है मदनी साहब ने ना कुछ सुना है ना ही कुछ देखा, इसीलिए अब अपनी कानूनी टीम की बैठक बुलाई है, जिसमें मौलाना साहब फैसले को लेकर कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अब सवाल है कि जब फैसला किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जात के लिए नहीं, किसी एक इंसान के लिए नहीं लिया गया, तो अकेले मौलाना अरशद मदनी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या वो ऐसे बयान देकर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े आदेश को धार्मिक फरमान बताकर आग लगाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल उसकी तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप पुणे के कलेक्टर के ऊपर लगाए गए थे। जब पुलिस ने उसको बुलाया बयान देने के लिए तो वो पेश नहीं हुई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या अब पूजा डर गई गिरफ्तारी से, या फिर उस पर जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से लगातार बयान सामने, लगातार जांच पड़ताल हो रही है, उस शर्म से वो पानी पानी हो चुकी है, इसलिए वो सामने नहीं आई। तमाम सवाल खड़े होते हैं, इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है।
नखरेबाज आईएएस पूजा खेडकर जो कल तक कमेटी के सामने अपनी बात रखने की बात कर रही थी, जांच में सहयोग करने का दावा कर रही थी, वही पूजा खेडकर पिछले 24 घंटे से गायब है। ना तो मीडिया के सामने आई है, ना ही किसी को उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। तो सवाल है कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर कहां गायब है? क्या पूजा खेडकर को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या पूजा समझ गई है कि उनका झूठ पकड़ा गया है? सवाल कई है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल पूजा खेडकर अपनी हाई फाई डिमांड्स के चलते लाइमलाइट में आ गई थी। इसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट के जाल में ऐसी फंसी कि उससे निकल ही नहीं पाए। लेकिन पूजा ने तब सबको चौंका दिया जब उन्होंने पुणे के डीएम पर ही उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद पूजा को पुणे पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन पुलिस इंतजार करती रही और वो पुणे कमिश्नर के ऑफिस ही नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। दो बार नोटिस के बाद पूजा ने आने की हामी भरी, लेकिन उनका फोन बंद बताया जा रहा है। पूजा खेडकर पर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट से लेकर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के जो आरोप लगे हैं, उसके बाद पूजा चारों तरफ से घिर चुकी है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। दावा किया जा रहा है कि अपनी इसी गिरफ्तारी के अंदेशों के चलते वो पहले ही कोर्ट से अग्रिम जमानत लेना चाहती है, जिससे गिरफ्तारी से बचा जा सके और फिर अपना बयान पुलिस के सामने वो दर्ज करा सकती है। इधर पूजा की मां मनोरमा खेडकर की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही। किसान को बंदूक के दम पर धमकी देने के आरोप में मनोरमा की हिरासत बढ़ गई है। पुणे कोर्ट ने 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि उनके वकील का कहना है कि मामले में 307 का मुकदमा नहीं चलेगा। After 13 months, something is put forth by the complainant. Yes. It can't be gathered very easily. So, but he says with that 307, whether it is tribal by him, our apprehension is that whether our argument was to the extent whether he had not fired, the bullet was not shot out. So, this thing has been whatever we addressed to the court. Only on the law point we had argued. Court had extended 2 days custody, police custody for them. कुल मिलाकर खेडकर फैमिली की पूरी कुंडली सबके सामने है। पूजा की मां पुलिस हिरासत में है तो खुद अंडरग्राउंड पूजा हो चुकी है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। और लगातार पूजा के खिलाफ मिल रहे सबूत इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।